पर्शिया की हार ने एशिया के द्वार खोल दिया। भागते पर्शियन शासकों का पीछा करते हुए सिकंदर हिंदुकुश तक पहुंच गया। चरवाहों गुप्तचरों ने सूचना दी इसके पार एक महान सभ्यता है। धन धान्य से भरपूर सन्यासियों आचार्यों गुरुकुलों योद्धाओं किसानों से विभूषित सभ्यता जो अभी तक अविजित है। सिकंदर ने जिसके पास अरबी फिशरमैन घोड़ों से सुसज्जित सेना थी ने भारत पर आक्रमण का आदेश दिया। झेलम के तट पर उसने पड़ाव डाल दिया, आधीनता का आदेश दिया। महाराज पोरस की सभा लगी थी। गुप्तचरों ने सूचना दी आधे विश्व को परास्त कर देने वाला यूनान का सम्राट अलेक्जेंडर ने भारत विजय हेतु सीमा पर पड़ाव डाल दिया है। महामंत्री का प्रस्ताव था राजन तक्षशिला के राजा आम्भीक ने अधीनता स्वीकार कर ली है। यह विश्व विजेता है, भारत के सभी महाजनपदों से वार्ता करके ही कोई उचित निर्णय ले। महाराज पोरस जो 7 फीट लंबे थे, जिनकी भुजाओं में इतना बल था कि 100 बलशाली योद्धा एक साथ युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते थे, ने महामंत्री को फटकार लगाई। हम भारत के सीमांत क्षेत्र के शासक हैं, यदि हम ही पराजय स्वीकार कर लिए तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा। अपने पुत्र को सिकंदर की शक्ति पता करने भेजते हैं। साहसी पुत्र ने सिकंदर पर हमला कर दिया। 23 वर्ष की अवस्था में वीर बालक युद्ध भूमि में मारा गया। इस समाचार से महाराज पोरस विचलित नहीं हुए, उन्होंने सेनापति को झेलम तट पर पड़ाव का आदेश दिया। यूनानी सैनिक इतनी छोटी सेना देखकर हैरान थे। 21 दिन की प्रतीक्षा के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया, परंतु अनुपात में कम क्षत्रिय हारने का नाम नहीं ले रहे थे। सेनापति महाराज पोरस को सूचना देता है, सिकंदर के तेज घोड़ों और बारूद के सामने क्षत्रिय योद्धा वीरगति को प्राप्त कर रहे शिवभक्त पोरस महादेव की आराधना कर रहे थे। पोरस ने दोपहर तक सिकंदर को रोक रखने का आदेश दिया। दोपहर तक पोरस की आधी से अधिक सेना खत्म हो चुकी थी। यूनानी सैनिक जीत के जश्न में डूबने वाले ही थे। तभी पूर्व से भगवा पताका से आसमान भगवामय हो गया। हर हर महादेव के शंखनाद से पृथ्वी कांप उठी। झेलम का पानी उफान मारने लगा जैसे अपने राजा का चरण छूने को व्याकुल हो। 10,000 हाथियों से घिरे महाराज पोरस ऐसे लग रहे थे कि हाथी के ऊपर कोई सिंह युद्ध करने को आ रहा है। बची सेना अपने राजा को युद्धस्थल पर देखकर पागल सी हो गई। सिकंदर अपने अभियान में बहुत से बड़े योद्धाओं को पराजित किया था, लेकिन ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। क्या कोई व्यक्ति इतना भी विशाल और गर्वित हो सकता है? पोरस के एक संकेत पर हाथियों पर सुसज्जित योद्धा टूट पड़े। यूनानी सैनिक गाजर मूली की तरह काट दिए जा रहे थे। हाथियों ने सैनिकों को बुरी तरह कुचल दिया, लेकिन महाराज पोरस की निगाह कुछ और खोज रही थी। उस दुष्ट को जिसने भारत से गद्दारी की थी, राजा आम्भीक को जैसे ही वह सामने से निकला, पोरस ने बर्छी फेंक कर मारी। लेकिन आम्भीक सिकंदर के सेनापति की आड़ में छुप गया। सेनापति का शरीर छलनी हो गया। पोरस ने अपने भाले से एक यूनानी के घोड़े पर वार किया, उस घोड़े को वहीं ढेर कर दिया। ये सब देखकर सिकंदर समझ गया, जब तक पोरस युद्ध भूमि है, भारतीय सेना को हराया नहीं जा सकता। अभी भी यूनानी सैनिकों की संख्या पोरस के सैनिकों से अधिक थी, लेकिन जिस तरह पोरस भीष्म की तरह काट रहे हैं, चारों तरफ भय का वातावरण है। सिकंदर ने सुनिश्चित किया, अब पोरस को ही मारना होगा। अपने विश्वसनीय घोड़े और 20 योद्धाओं के साथ सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ा। अपने राजा की सुरक्षा में भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। 20 में से 10 यूनानी योद्धा मार दिए गए, लेकिन विश्व विजेता सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब सिकंदर और पोरस आमने सामने थे। ऊपर महादेव अपने भक्त की वीरता देख रहे थे। हाथी के हौदे से एक बिजली चमकी जैसे लगा शिव का त्रिशूल हो। महाराज पोरस अपने भाले का संधान कर चुके थे। भाला सिकंदर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। घोड़े ने स्वामी भक्ति दिखाई और अगले पैरों को उठाकर वह भाले के सामने आ गया।
हवा को चीरता हुआ भाला घोड़े को ढेर कर गया और सिकंदर को जा लगा। घायल मूर्छित सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहली बार खुले में आसमान देखा था। घायल सिकंदर को लेकर उसके योद्धा शिविर की तरफ भागे। इधर झेलम का उफान थम सा गया। अपने राजा के चरणों को छूकर झेलम थम गई, वापस सामान्य वेग से बहने लगी। आखिर क्यों न उन्हें गर्व हो, आज उनके सम्राट ने विश्व विजेता को पराजित किया है। कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, पर जिसने सिकंदर को जीता वो महान सम्राट महाराज पौरस।